एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजली बनाता है और एक ऐसा देश जहां पर लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं। और क्रिकेट मैच में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है? और क्या आपने हवा को कभी भी अपने आंखों से देखा है? और क्या आपने कभी मोदी जी की चाय की दुकान देखी है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूं 200 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस अजीब इंसान मोहन ने अपने शरीर में दौड़ने वाले करंट से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। इनके शरीर में 0.25 एम्पियर का करंट दौड़ता है, जो कि किसी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। एक्सपर्ट ने मोहन पर कई सारे टेस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने ड्रिल मशीन, बल्ब और भी कई सारी चीजों को अपने शरीर में दौड़ने वाले करंट से चला दिया। लेकिन सबसे हैरानी में डाल देने वाली बात तो ये है कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है? इतने करंट से तो एक इंसान की मौत बहुत ही आसानी से हो सकती है। नंबर 2, एक ऐसा देश है जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। असल में ये एक करेबियन देश है। यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं और फिर उसे धूप में सुखाकर खाते हैं। नंबर 3, क्या कभी पिज्जा खाते वक्त आपके मन में ये सवाल आया है कि पहली बार पिज्जा किसने ऑर्डर किया था और कब किया था? असल में 1889 में इटली की महारानी मार्गरीटा सेवाई ने पहली बार पिज्जा घर पर ऑर्डर किया था, और शायद मार्गरीटा पिज्जा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा होगा। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नदी ऐसी भी है जो 24 घंटे उल्टी बह रही थी, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? लेकिन ये सच है, और उस नदी का नाम मिसिसिपी है, और ये नदी नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, और ये सब एक भूकंप की वजह से हुआ था। नंबर 5, जेम्स रैंडी, यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको $1 million का प्राइज देगा अगर आप उन्हें ये प्रूफ कर दिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती है, जैसे कि घोस्ट, स्पिरिट, ये सच में होती है। अगर आप ये प्रूफ कर दिए तो फिर $1 million आपके। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हिटलर को एक समय नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिटलर ने सारी मीडिया को सरकार के कंट्रोल में ले लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर की एक्टिविटी का बाहरी देशों को पता ही नहीं चला था। नंबर 7, ये घटना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टर्की में साल 2005 में एक भेड़ ने एक चोटी से छलांग लगा दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि जब पहले भेड़ ने छलांग मारी तो फिर इसके पीछे पीछे 1500 और भेड़ ने भी छलांग लगा दी। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। नंबर 8, आपने ओलंपिक प्लेयर्स को तो देखा ही होगा, ये मेडल्स जीतने के बाद इन मेडल्स को ऐसे बाइट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मेडल को ऐसे बाइट क्यों करते हैं? असल में ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि वो पता कर सके कि वो मेडल असली गोल्ड का है या नहीं। नंबर 9, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे पक्षी के बारे में सुना है? सुनने में अजीब है, लेकिन ऐसा सचमुच में है। ये तोते का नाम पक है, और आप मानोगे नहीं कि इसे 1700 वर्ड्स बोलने को आते हैं, और इस तोते ने 1995 से ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाकर बैठा है। नंबर 10, क्रिकेट तो लगभग हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई बॉलर बॉल को फेंकता है तो हमें उसकी स्पीड कैसे पता लग जाती है, जबकि बॉलर हवा में गेंद को फेंकता है और चारों तरफ मैदान ही मैदान होता है? पहले तो क्या कभी आपने स्पीड गन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड गन की ही देन है कि हम बॉल की रफ्तार को ट्रैक कर सकते हैं और हमें बॉल की एग्जैक्ट स्पीड पता चल जाती है। लेकिन अभी के बॉल में तो सेंसर भी लगे होते हैं जो कि बॉल की स्पीड को ट्रैक करते हैं। नंबर 11, इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका जवाब ना ही होगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पर हमारी सोच थम जाती है वहाँ से साइंस का करिश्मा शुरू होता है। जी हाँ, साइंस के पास ऐसा तरीका मौजूद है जिससे हम हवा को देख सकते हैं, और वो मेथड है सिलेरन इफेक्ट। दरअसल इस मेथड में फ्लो की मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। नंबर 12, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी जमाने में चाय बेचते थे, लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहाँ मोदी जी चाय बेचते थे? अगर नहीं तो ये देख लीजिए, ये है स्टॉल नंबर T30, और ये वही स्टॉल है जहाँ पर मोदी जी चाय बेचते थे, और इसी चाय के स्टॉल से उन्होंने पीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया है। उनके इस इंस्पायरिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।